हमारी ट्रेन आ चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको हमारे ब्लॉग्स भी अच्छे लग रहे होंगे। फाइनली बैठ गए हैं हम लोग ट्रेन में, तो अभी समय हो रहा है 5:30 में ट्रेन डिपार्चर है यहाँ से। आप हावड़ा तक पहुँच गए, वही बहुत है, इतना दूर है ना हमारे घर से। तो ये ट्रिप आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करना, हम जहाँ जहाँ जाएंगे आप लोग को भी लेके जाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आई होप हमारे ब्लॉग आपको बहुत 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 अच्छा लगे। मीनवाइल कॉफी सब अभी गया है बाहर, थोड़ा इधर उधर, और मैं यहीं पर रेस्ट कर रही हूँ। बहुत चल लिया, आ गया है फर्स्ट। फाइनली हम लोग को ट्रेन छोड़ती है, बाहर अभी भी अंधेरा है इसलिए आप लोग को कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ। सबको आ रही है भयंकर नींद, क्योंकि हम लोग बिना सोए ऐसे ही आ गए हैं। 3 बजे उठी थी मैं, तो फिर सो रही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ट्रेन काफी खाली है अभी, वैसे समर के टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, अभी उतना भीड़ नहीं। और बाहर है ऐसे ही अंधेरा, कुछ दिखेगा नहीं आपको। और मैंने लिया है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, थोड़ा टाइम पास होगा। क्या बोला तूने? क्या लगता है इस पे तुम खाना रख के खाओगी? तो वो खाने के टाइम पे भी काम आता है ना न्यूज़पेपर, अभी पढ़ेंगे फिर दोपहर तक इसको यूज कर सकते हैं किसी और चीज़ में। पहले आई रीड ये न्यूज जो भी आता है, उसके बाद पेज 3। अभी आप लोगों से फिर थोड़ी देर में बात करेंगे जब हमें ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, लंच भी मिल जाएगा, तो वो सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वैसे तो हम लोग पहले ही शेयर कर चुके हैं वो पहले की जर्नी में, जो लोग हमारे ब्लॉग्स नहीं देखे हो पहले वाले वो जाके देख सकते हो। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इतनी ठंड में, वहाँ पर कैसी ठंड होगी वो एक्सपीरियंस करने के लिए। ब्रेकफास्ट में है ट्रॉपिकाना, ये ऑमलेट है मेरा ब्रेड ऑमलेट। तो पहुंच गए हैं हम लोग बोलपुर, तुम उतरो और शांति निकेतन घूम के आओ। तो अभी हमें मिला है ग्रीन टी, तो अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है मालदा टाउन। यहाँ से एनजेपी पहुंचने में लगेगा 1:10 में हम लोग एनजेपी पहुंच जाएंगे, 10:15 में हम लोग मालदा टाउन पहुंच चुके हैं, 10:30 छोड़ देंगे। तो ये है हमारा लंच। तो हम लोग पहुंच चुके हैं एनजेपी, अभी ड्राइवर का वेट कर रहे हैं, ड्राइवर जी कब आएंगे। तो गाइस बाहर जाने का ये है ट्रैफिक, मैंने पहली बार देखा है इतना ट्रैफिक, कैसा लग रहा है तुमको? इन ट्रैफिक में फंसे रहने से कैसा लगेगा? No, God, please, no, no, no! तो गाइस हम लोग पिछले 1 घंटे से ट्रैफिक में अटके हैं, तो आज पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक है। तो कभी मैंने इतना ट्रैफिक देखा भी नहीं, अभी तक तो पहुंच जाते शायद, पर अभी भी अटके हुए हैं गाड़ी में। क्या सीएम आ रही है ना? हाँ, तो इसीलिए इतना ट्रैफिक। तो वैसे तो मैंने सुबह सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा था, मतलब वो ट्रैवल करने वाली है, बट इसके लिए इतना ट्रैफिक होगा वो पता नहीं था। तो चलो आपको पहुंच के अपडेट देते हैं, अभी ये जाम ये ट्रैफिक इसका क्या ही मैं आपको दिखाऊं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो हम लोग खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से यहाँ पे इतनी ठंड भी नहीं है, वहाँ पहुँच के शायद हिल्स में थोड़ी ठंड लगे। मीनवाइल ट्रैफिक तो वैसा का वैसा ही है। तो फाइनली हम लोग दार्जिलिंग के रास्ते में आ गए हैं और अब खाली हो गया है रास्ता, थोड़ा टेंशन थी नहीं तो इतनी देर से बहुत ही इरिटेटिंग ट्रैफिक था। हम लोग ट्रेन से उतरे थे 1:15 बजे, अभी 3:22 हुआ है। हाँ, और अभी तक हम लोग डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचे हैं। डेस्टिनेशन तो छोड़ो, हम अभी दार्जिलिंग रोड ही अभी पहुँचे। आ गए हैं रोहिणी टोल प्लाजा, तो यहाँ से टोल गेट से क्रॉस करके फिर जाना पड़ता है आगे। यहाँ पे आसपास आर्मी ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ पे शूटिंग का कुछ ट्रेनिंग हो रहा था तो आवाज आया, काफी एक्साइटिंग लग रहा था कि काश मैं भी कर पाती कभी इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप?
अभी रुके हैं एक जगह पे, क्योंकि हमारे ड्राइवर को लंच नहीं किया था उन्होंने, हमने तो ट्रेन में लंच कर लिया था, तो हम लंच नहीं करेंगे, ऊपर से 4:30 बज गए हैं, तो अभी हम लोग होम स्टे में जाके ही जो भी खाना पीना है वो करेंगे। तो वास्तव दे रहा है बहुत अजीब और गरीब फोटोज, तो उसका शूट टाइम चल रहा है इसलिए मैं फोन में ब्लॉक कर रही हूँ। वो रहा तो कौस्तव ले रहा है खतरनाक शॉट्स यहाँ से, मुझे तो काफी डर लगता है। तो अभी उसके अंदर फोटोग्राफर आत्मा घुसी हुई है, वो बस फोटोग्राफर बना हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोगों से फोन में ही ब्लॉक करके आधा बात कर रही हूँ। बहुत देर का ब्रेक था, 15-20 मिनट, वहाँ जाके पता चलेगा कि और कितना ठंड होता है। अभी तो मतलब ठीक ठाक ठंड है, अच्छा वेदर है। तो ये है हमारे होम स्टे का रास्ता। तो यहाँ पे काफी ठंड लग रही है अभी कुछ दिख भी नहीं रहा है, रास्ता भी कल सुबह मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो यहाँ से हम जाएंगे ऊपर हमारे रूम। तो हम लोग फाइनली होटल रूम पहुंच चुके हैं और 7:30 बजा है, अभी थोड़ा चाय पियेंगे। यहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत मतलब बहुत। तो अभी फिलहाल मैं रूम टूर नहीं दूंगी, कल सुबह ही मैं एकदम होम स्टे रूम टूर सब साथ में दूंगी, क्योंकि अभी आधा चीजें दिख नहीं रहा है, इतने अंधेरे में बहुत ही लेट पहुंचे हम लोग। NJP में ट्रैफिक होने की वजह से पूरा एकदम प्लान ही अजीब हो गया। मैं चाय इंजॉय करती हूँ और थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ, आप लोगों से फिर फ्रेश होकर बात करती हूँ। फाइनली आ गई है हमारी चाय और कौस्तव तो कैमरा लेके बिजी है, तब से कुछ ना कुछ फोटो शूट किया जा रहा है। सुंदर से हमारी चाय आई है और मैंने ऑलरेडी मेरा कप ले लिया है और कपड़े निकाले हैं। चाय पी के ही फ्रेश होंगे, मेकअप रिमूव करना है, बहुत सारा काम है, पर इतनी ठंड है कि सब कुछ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो ये है हमारा चिकन पकोड़ा जो कि कौस्तव का फेवरेट है, यहाँ पे आए और वो ये ना खाए ऐसा हो नहीं सकता है, तो वो तो ये खाएगा। मैंने दिया है वाई वाई बनवाने के लिए, थोड़ा सूपी सूपी वो खाऊंगी। ये रहा मेरा वाई वाई। यहाँ पे है अभी फील्स लाइक 0 डिग्री। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मुझे देख के समझ ही सकते हो कि यहाँ पे कितनी ठंड है। कौस्तव तो ऑलरेडी मतलब 2-2 ब्लैंकेट के नीचे है और हम लोगों ने हीटर भी मंगवाया है, पर अभी तक रूम हमारा उतना गर्म नहीं हुआ है जो हमें चाहिए। आई गेस धीरे धीरे होगा। तो अभी डिनर भी करने जाना है, डिनर करने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, तो वही मैं सोच रही हूँ कि इतनी ठंड में मैं नीचे जाके खाऊंगी कैसे, पर जाना तो पड़ेगा क्योंकि रूम में बहुत मेस्ड अप हो जाएगा, इतना सारा खाना वाना और वो खाने की स्मेल हो जाएगी। अरे नीचे आग भी जलाना है और नीचे बॉनफायर भी है, तो ठीक है वहीं बॉनफायर के पास ही खाना खा लेंगे, तो शायद थोड़ा मतलब गर्मी टाइप लगेगा। ऊपर बैठ जाना। तो ये है डिनर प्लेस, यहाँ पे सब कोई मतलब खाना वाना खाने आते हैं, तो इसका एक टूर दे देती हूँ। तो यहाँ पे काफी ठंड है, तो अभी भैया बॉनफायर चला रहे हैं और हम लोग डिनर प्लेस में आ गए हैं। ठंड कितनी है आप लोग को दिख ही रहा होगा, मैंने तो नाइट केयर सब कुछ कर लिया है, स्किन केयर, फिर भी इतनी ठंड में। तो अभी बॉनफायर का मजा उठाते हैं और यहाँ पे गिटार है, सबको मैंने बोला है कि तुम गिटार बजा सकते हो। तो यहाँ पे हो रही है बॉनफायर की तैयारी और मुझे देख के पता ही लग रहा होगा कि कितनी ठंड है यहाँ पे। फील्स लाइक 1। डिनर में है दाल, आलू गोभी, पापड़, आलू भाजा और गर्मा गर्म राइस। तो अभी इतनी ठंड में हमको निकलना पड़ रहा है कोजी से रूम से और अभी रूम में जा रहे हैं। रूम में जाने के लिए भी एक स्ट्रगल है, आपको दिखाते हैं रास्ता। ये जंगल है इस तरफ, ये इस तरफ जंगल, इस तरफ जंगल, इस तरफ शेरनी।